हम त्रिपुर सुंदरी माता जी के दर्शन के लिए त्रिपुरा आए हुए हैं। जय माता। हम यहाँ पर उदयपुर के पास में ही त्रिपुर सुंदरी त्रिपुरा माता जी के दर्शन करने के लिए आए हैं और इस दुकान से हम प्रसादी ले रहे हैं। हमारे साथ भैया लोग भी हैं, देखिए प्रसाद निकाल रहे हैं। ये गैलरी यहाँ से ही मंदिर में होते हुए जाते हैं। सुंदरी माता जी के दर्शन के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। उदयपुर के पास स्थित है माँ त्रिपुर सुंदरी माता जी का दरबार और ये माता जी के दरबार की भक्तों की लाइन है, माता जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। इधर आगे तक माता जी के दरबार में भक्तों की लाइन लगी हुई है। माँ भगवती, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ राजराजेश्वरी माता जी यहाँ अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ विराजमान हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी माता जी का वर्णन 51 शक्तिपीठों में भी आता है और 10 महाविद्याओं में भी माँ राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता जी की दिव्य महिमा का वर्णन आता है। भगवान विष्णु हरि नारायण ने हरिद्रा सरोवर के किनारे माँ त्रिपुर सुंदरी माता जी का ही चिंतन किया था, माँ त्रिपुर सुंदरी माता जी की भक्ति की थी और माँ त्रिपुर सुंदरी माता जी हरिद्रा सरोवर में माँ बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई थी और जिन्होंने इस संसार को दुष्टों से मुक्ति दिलाई। ऐसी ब्रह्म शक्ति 10 महाविद्याओं में महाशक्ति माँ त्रिपुर सुंदरी माता जी के दर्शन करने के लिए हम पहुँचे। आज हम माँ त्रिपुर सुंदरी माता जी के कूर्म पीठ में दर्शन के लिए आए हैं और माता रानी का मंदिर यह सामने है और इसी के सामने एक सरोवर है और इस सरोवर के अंदर कूर्म रहते हैं ऐसी मान्यता है और कूर्म पीठ का बड़ा पौराणिक महत्व है। इस स्थान पर माँ सती का दाहिना पाँव गिरा था, यही मान्यता इस माता रानी के पीठ से जुड़ी हुई है। और माँ त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में एक महाविद्या है। 51 शक्तिपीठों में माँ त्रिपुर सुंदरी माता जी का यह पावन और पवित्र शक्तिपीठ है। माँ त्रिपुर सुंदरी माता जी ललिता माता के रूप में भी विराजमान है और आप सभी यह सरोवर देख रहे हो, यह माता रानी के दरबार के सामने का ही सरोवर है, बहुत ही सुंदर सरोवर है। त्रिपुर सुंदरी माता जी के मंदिर के बारे में और माता जी कब से विराजमान है, 2 शब्द के रूप में माता जी की महिमा का वर्णन करें। जी बहुत सालों पहले से है लेकिन मुझे डेट मालूम नहीं है कब से है। जी जी, ये तो आदिकाल से मंदिर है। जी जी, इसका तक मुझे मालूम है। यहाँ पर शक्ति पी के बहुत लोग आते दर्शन को जाते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते दर्शन लेते हैं, माता आशीर्वाद जी काम काम जी जी। यह यही त्रिपुरा से ही है, त्रिपुरा राज्य से ही है और यहाँ किस किस प्रकार से कब कब पूजा विशेष होती है थोड़ा बताइए। ये पब्लिक आवश्यक है और जी जी, दुर्गा पूजा से पहले जो होता है महालय का अमावस्या में सबसे बड़ा पूजा होता है, हर अमावस्या में यहाँ सबसे बड़ा माँ का पूजा होता है। जी जी, और जो नवरात्रि में भी पूजा होता है, नवरात्रि में तो विशेष पूजा होती है। जो भक्त जैसे बाहर राज्य से आना चाहते हैं, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, दिल्ली से, तो इनके लिए रूट कहाँ से आता है, इस स्थान तक मंदिर का रास्ता कहाँ से होते हुए आता है? आपको मेन तो गुवाहाटी तक आना होगा, गुवाहाटी से त्रिपुरा के लिए ट्रेन बस सब कुछ मिल जाता है आपको। वहाँ त्रिपुरा पर आने के बाद यहाँ से हम लोग का अभी मातरवाड़ी तक रेलवे स्टेशन भी है, रेल से भी आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं, प्राइवेट गाड़ी से भी आ सकते हैं। त्रिपुरा का जो टूर्स एंड ट्रेवल्स जो है, टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से भी पैकेज चालू है,
त्रिपुरा भ्रम रहे हैं, त्रिपुरा दर्शन के लिए, त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन के लिए भी अपन लेके चालू है। जी, जैसा कि भैया ने बताया कि अगर बाहर से अगर आ रहे हो आप मध्य प्रदेश साइड से, तो आप ट्रेन के माध्यम से आपको गुवाहाटी आकर और फिर वहां से आप आगे का इधर का सफ़र पार कर सकते हो। और यह जो मंदिर है उदयपुर से पास में ही है मंदिर है, और अगर आप इस स्थान पे आना चाहते हो, इस स्थान की बड़ी दिव्य महिमा है क्योंकि त्रिपुर सुंदरी माता जी दशों महाविद्याओं में भी एक महाविद्या है और 51 शक्तिपीठों में माँ भगवती का नाम आने के कारण यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा का, तंत्र शक्ति का बड़ा ही साधना का क्षेत्र है। और इस स्थान पर जो भी भक्त श्रद्धालु आकर माँ भगवती का यहाँ 10 से 5 मिनट चिंतन भी कर लेते तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप सभी, यह भैया के माध्यम से भी आप सभी को महिमा की जानकारी प्राप्त हुई और आप सभी को भी माँ त्रिपुर सुंदरी माता जी के दिव्य दरबार के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। माता रानी आपकी भी मनोकामना पूर्ण करें। त्रिपुर सुंदरी माता जी का यह प्यारा सिद्धपीठ शक्तिपीठ त्रिपुरा राज्य में स्थित है। माँ भगवती के दर्शन करने से सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माता भगवती के 51 शक्तिपीठों में यह बहुत ही प्यारा और चमत्कारी शक्तिपीठ है। 10 महाविद्याओं में भी त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी माँ ललिता भवानी की महिमा का वर्णन किया जाता है। माँ भगवती की महिमा अपरंपार है। माता रानी के दर्शन के लिए जो भी भक्त आता है उसे मनवांछित फल प्राप्त होता है। इस मंदिर के दर्शन करने के बाद भक्त श्रद्धालु इस मंदिर के 3 फेरे लगाते हैं और माता रानी से आशीर्वाद लेते हैं। आप सभी को त्रिपुर सुंदरी माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। आप सभी की त्रिपुर सुंदरी माता मनोकामना पूर्ण करें। ऐसी माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी माता जी से आप सभी के लिए हम अर्जी लगाते हैं और आप सभी देखिए त्रिपुर सुंदरी माता जी के दिव्य दर्शन का अद्भुत नज़ारा और माँ के दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। जय जय जगत रचैया।